वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैद्यनाथ महासुदर्शन क्वाथ के बारे में। बैद्यनाथ महासुदर्शन क्वाथ की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको मलेरिया, डेंगू बुखार, टाइफाइड, वायरल फीवर, इम्यूनिटी वीक, सर्दी जुकाम जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैद्यनाथ महासुदर्शन क्वाथ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसे मुख्य रूप से आंवला, हरण, बहेड़ा, हल्दी, दारू हल्दी, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, ग्लोए, कुटकी, नीम, मुलेठी, छाल, अजवाइन, फिटकरी, दालचीनी, तेजपत्र जैसी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया जाता है और इसे बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस क्वाथ के उपयोग के बारे में। इस क्वाथ का उपयोग मुख्य रूप से सभी प्रकार के बुखार, वायरल फीवर और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि मलेरिया बुखार, क्रोनिक बुखार, टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, लीवर संबंधी समस्याएं, सर्दी जुकाम, पीलिया, इम्यूनिटी को बढ़ाना, भूख न लगना, बदन दर्द और मौसम के बदलाव से होने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं की रोकथाम के लिए इस क्वाथ का यूज किया जाता है। अगर आपको मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी कोई भी समस्या है तो आप इस क्वाथ का यूज कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं इस क्वाथ के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस क्वाथ के वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक मेडिसन है। आइए आप जान लेते हैं इस क्वाथ की डोज के बारे में। इस क्वाथ की डोज वैसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें क्योंकि इसकी डोज आयु, लिंग और समस्या के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 15 से 20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकता है। आइए आप जान लेते हैं इस क्वाथ की MRP के बारे में। इस क्वाथ की MRP है 225 ml। क्वाथ आपको 110 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ बैद्यनाथ महासुदर्शन क्वाथ की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।